Hello friends, I, Dr. Priyanka Dadupanthi, Assistant Professor in Biyani Group of Colleges, welcome you all on behalf of Guru KPU. Today I am going to deliver a lecture on mechanism of fertilization. Female gamete ovum or male gamete sperm ka fusion hi fertilization kehlata hai. Is fusion se jiska formation hota hai usse zygote kehte hain. फर्टिलाइजेशन के जो मैकेनिज्म को फाइव मेन स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया गया है. सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है माइग्रेशन ऑफ गैमेट. फ्यूजन के लिए मेल और फीमेल गैमेट दोनों का एक दूसरे के पास आना बहुत ज़रूरी होता है. इस सिचुएशन के लिए मेल गैमेट स्पर्म मूव करता हुआ फीमेल गैमेट ओवम के पास आता है. इसके लिए लिक्विड मीडियम की आवश्यकता होती है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है बैरियर पेनिट्रेशन एंड कैपेसिटेशन. जब मूवमेंट करता हुआ स्पर्म ओवम के पास आता है तो उसके बाद ये ओवम के चारों तरफ जो आवरण होता है या एनवलप होता है उसको तोड़ता हुआ ओवम के अंदर एंटर करने के बाद ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर जाता है. इसके बाद कैपेसिटेशन की कंडीशन आती है, यानी कि स्पर्म के द्वारा ओवम को फ्यूज करने के लिए फर्टिलाइज करने की एबिलिटी को प्राप्त करने की क्षमता को या उसको ग्रहण करने को ही कैपेसिटेशन कहते हैं. थर्ड स्टेप होती है एक्रोसोमल रिएक्शन. स्पर्म का एंटीरियर पार्ट एक्रोसोम का बना होता है. इस एक्रोसोम के थ्रू लाइसिन एंजाइम का सिक्रीट किया जाता है. इस लाइसिन एंजाइम के द्वारा या इस लाइसिन एंजाइम से एक कोन शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं. ये फर्टिलाइजेशन कोन पूरे के पूरे स्पर्म को एनवलप कर लेता है, उसको आवृत कर लेता है. फोर्थ स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ ओवम. जब पेनिट्रेट करने के बाद स्पर्म ओवम के अंदर एंटर कर जाता है, एक्रोसोमल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं. उन सभी चेंजेस को कंबाइंडली एक्टिवेशन ऑफ ओवम कहते हैं. लास्टली जो इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, वो होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई. जब स्पर्म ओवम के अंदर एंटर करता है तो उसके एंटीरियर पार्ट के ऊपर एक्रोसोम और इसके पीछे न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम होता है. साइटोप्लाज्म में एंटर करने के बाद ओवम 180 डिग्री के स्पर्म 180 डिग्री के एंगल पर मूव कर जाता है और इस मूवमेंट से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एंटीरियर पार्ट पे और एक्रोसोम पोस्टीरियर पार्ट पर आ जाता है. इस पोजीशन में न्यूक्लियस के अंदर और सेंट्रोमियर के अंदर या सेंट्रोसोम्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं. इन स्ट्रक्चरल चेंजेस के बाद न्यूक्लियस को मेल प्रोन्यूक्लियाई कहते हैं. ये मेल प्रोन्यूक्लियाई ओवम के न्यूक्लियस की तरफ या फीमेल प्रोन्यूक्लियाई की तरफ मूव करता है. जिस पाथ से मूव करता है उसको फर्टिलाइजेशन पाथ कहते हैं. मूवमेंट करने के बाद मेल और फीमेल दोनों प्रोन्यूक्लियाई एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूजन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है और ये पूरा स्टेप कहलाता है फर्टिलाइजेशन. थैंक यू थैंक यू थैंक यू.